हमारे भारतवर्ष की भूमि पर कभी भी वीरों की कमी नहीं हुई है। समय समय पर इन्होंने अपने साहस का परिचय दिया और कभी अपने बलिदान को देने से भी पीछे नहीं हटे। किसी ने अपने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया तो किसी ने अपने धर्म के लिए और किसी ने अपनी मान मर्यादा के लिए। आज हम एक ऐसे बालक की वीरता के बारे में बताएंगे जिन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने धर्म की खातिर अपना बलिदान दे दिया। ये बालक थे वीर हकीकत राय। इनके बारे में बताने से पूर्व आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। हकीकत राय का जन्म सन 1719 में पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम भागमल और माता का नाम गौरा था। वीर हकीकत राय जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। इन्होंने बचपन में ही इतिहास तथा संस्कृत आदि विषय का पर्याप्त अध्ययन कर लिया था। उस समय के मुस्लिम शासकों ने यह घोषणा करवा दी कि सरकारी कामकाज फारसी भाषा में होंगे। यह सोचकर इनके माता पिता ने इन्हें पढ़ने के लिए मदरसा भेजा। वहां पढ़ने वाले सभी बच्चे मुस्लिम थे। एक दिन मौलवी की अनुपस्थिति में मुस्लिम बालकों ने माँ दुर्गा के बारे में बहुत बुरा व्यंग किया, जो बालक हकीकत राय को पसंद नहीं आया। हकीकत राय ने उन मुस्लिम बालकों से कहा, मैं बीबी फातिमा के बारे में कुछ कहूँ तो आपको अच्छा लगेगा, हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। मुस्लिम बालकों को यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने हकीकत राय को पीटना चालू कर दिया। बाद में मौलवी के आने पर उन्होंने हकीकत की शिकायत कर दी कि इसने बीबी फातिमा को गाली दी है। यह सुनकर मौलवी बहुत नाराज हुआ। उसने हकीकत राय को काजी के सामने पेश किया। बालक हकीकत राय के माँ बाप ने काजी को समझाया, यह बालक है, इसे माफ़ कर दीजिए। लेकिन काजी ने उनकी एक ना सुनी और निर्णय सुनाया कि शरीयत के अनुसार इसके लिए मृत्यु दंड है या बालक मुसलमान बन जाए। हकीकत राय ने मुसलमान बनना मंजूर नहीं किया। तब हकीकत राय जी के माता पिता ने काजी से विनती की कि वे उन्हें एक रात की मोहलत दें जिससे वे हकीकत राय को समझा सकें। काजी ने उन्हें एक रात की मोहलत दे दी। रात के समय हकीकत राय के माता पिता उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा, तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, कम से कम तुम जिंदा तो रहोगे। हकीकत राय ने कहा, माता जी, आपने मुझे जो शिक्षा दी है मैं उसी का ही पालन कर रहा हूँ। आपने ही तो बताया था कि अपने धर्म, अपने समाज, अपने गुरु, अपने माता पिता के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए, और आज आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैं धर्म छोड़ दूँ। मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। माँ की शिक्षा मेरे लिए धर्म से भी बढ़कर है। यह सुनकर माता पिता दोनों कुछ नहीं कह सके। अगले दिन हकीकत राय से काजी ने पूछा, बोल लड़के, तुझे इस्लाम राजी है या मौत? वह बालक गरजा, पहले ये बता, क्या मुसलमानों को मौत नहीं आती? क्या मुसलमान होकर मैं कभी नहीं मरूंगा? काजी ने कहा, मजाक करता है क्या? इतना भी नहीं जानता, हर किसी को एक दिन खाक होना है। जब उस लड़के ने फिर चीखते हुए कहा, तो जब ऐसा ही है और मौत तय है तो क्यों मैं अपना धर्म छोड़ दूँ? मैं अभी मर जाऊँ और तू कल, लेकिन मौत तो दोनों की ही होगी ना? एक बार फिर पूरे जोश में चीखते हुए उस लड़के ने कहा, मैं अपना धर्म नहीं बदलूँगा, किसी कीमत पर भी नहीं। यह सुनकर काजी ने हकीकत राय को सर तक ज़मीन में गड़वा दिया और काजी के इशारे पर वहाँ मौजूद भीड़ ने हकीकत राय पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उन पत्थरों की चोट से हकीकत राय बेहोश हो गए। तब जल्लाद ने तलवार से उनका सिर धर से अलग कर दिया। इस प्रकार आज के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन हकीकत राय अमर हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे साहिबजादों के बाद कम उम्र में वे ऐसे वीर थे जिन्होंने अपने धर्म की खातिर अपना बलिदान दे दिया। ऐसे वीर बालक हकीकत राय को हमारा शत शत नमन। आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोगों को भी इनके साहस के बारे में पता चल सके। तब तक के लिए जय हिंद।